असम में सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें 3.29 करोड़ लोगों में से केवल 1.9 करोड़ को ही भारत का वैध नागरिक बताया गया है। इस ड्राफ्ट के आते ही असम में लोगों के बीच डर का माहौल है। दरअसल असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अभियान चलाया है। दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिना जाने वाला यह कार्यक्रम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर आधारित है, यानी कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी, फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। असम में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए यह अभियान करीब 37 सालों से चल रहा है। साल 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वहां से पलायन कर लोग भारत आए और यहीं बस गए। इस कारण स्थानीय लोगों और घुसपैठियों में कई बार हिंसक वारदातें हुई। 1980 के दशक से ही यहां पर घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर निकालने का आंदोलन 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद ने शुरू किया था। यह आंदोलन हिंसक हुआ और करीब 6 साल तक चला। हिंसा में हजारों लोगों की मौत हो गई। हिंसा को रोकने के लिए 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के नेताओं की मुलाकात हुई थी। तय हुआ था कि 1951 से लेकर 1971 के बीच भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी और 1971 के बाद आए लोगों को वापस भेजा जाएगा। आखिरकार सरकार और आंदोलनकारियों में बात नहीं बनी और समझौता फेल हो गया। बाद में असम में सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ता चला गया। 2005 में असम और केंद्र सरकार में NRC लिस्ट अपडेट करने के लिए समझौता किया गया। धीमी रफ्तार की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस मुद्दे पर कांग्रेस जहां सुस्त दिखी, वहीं BJP ने इस पर दांव खेल दिया। 2014 में भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। मोदी ने चुनावी प्रचार में बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बातें कही। इसके बाद 2015 में कोर्ट ने NRC लिस्ट अपडेट करने के भी आदेश जारी किए। 2016 में राज्य में भाजपा की पहली सरकार बनी और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई। नागरिकता साबित करने के लिए लोगों से 14 तरह के प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए लगवाए गए कि उनका परिवार 1971 से पहले राज्य का मूल निवासी था। इसके बाद हजारों राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने घर घर जाकर रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किए और वंशावली को आधार बनाकर जांच की गई। आखिरकार साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आधी रात को राज्य सरकार ने NRC की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी होते ही NRC सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकतर लोग निराश दिखे। आने वाले कुछ दिनों में NRC की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है। अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। मोदी ने चुनाव में हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही थी, इसलिए सरकार नागरिकता संशोधन बिल पास कराना चाहती है। यदि सरकार मुस्लिम घुसपैठियों पर सख्त हुई तो सामाजिक खाई बढ़ने के भी आसार हैं। बताया जाता है कि घुसपैठियों में मुस्लिमों के अलावा बड़ी तादाद में बांग्ला हिंदू भी।